अरे कहाँ मर गई, आधा घंटा हुआ ऑर्डर दिए, अभी तक ऑर्डर नहीं आया। अरे मैडम आधा घंटा कहाँ हुआ है, आपने अभी 5 मिनट पहले तो ऑर्डर दिया है। अच्छा जल्दी आ, मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। अरे इसे अभी पंक्चर होना था। एक काम करती हूँ, पैदल ही चलती हूँ। क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या करूँ सर, मेरी किस्मत ही खराब थी, अभी साइकिल को पंचर होना था। इस समय ये बच्चे को लेके अकेले कहाँ जा रही हो? सर मैं अकेले ही घर चलाती हूँ और काम पे बच्चे को लेके निकलना पड़ता है। कस्टमर भी बार बार कॉल करके बोल रहे हैं कि आप अभी तक नहीं आए। पैदल कहाँ तक जाओगी, आओ बैठो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बहुत दूर है जगह वो। ठीक है सर। सर मैंने कभी भी डिलीवरी लेट नहीं की है, ये पहली बार है कि डिलीवरी लेट हो गई। ये कस्टमर भी बहुत गुस्से वाला है, पता नहीं कैसा बिहेव करेगा। अच्छा तुम चिंता मत करो, पार्सल मुझे दो, मैं डिलीवर करके आता हूँ, तुम यहीं पे वेट करो मेरा। गुड इवनिंग मैम, ये आपका पार्सल। हो गए तुम्हारे 10 मिनट, रेस्टोरेंट का चला हुआ गरम खाना तुमने तो आइसक्रीम कर दी। जब खाना टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकते हो तो ऑर्डर क्यों लेते हो? तुम छोटे लोगों का तो यही हाल है, कोई भी काम टाइम से नहीं कर सकते। कभी हम जैसे बड़े ऑफिस में काम करके देखो, तब पता चलेगा कि टाइम का इम्पोर्टेंस होता क्या है। मैडम ये खाना मैं साइकिल से लेकर आया था और रास्ते में मेरी साइकिल भी पंचर हो गई थी। मैं मानता हूँ कि मैंने ये खाना डिलीवरी करके आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, लेकिन आपने आज ये खाने का पैकेट फेंक के साबित कर दिया कि हम जैसे लोगों की औकात क्या है। आपने मेरा गुस्सा इस खाने पे निकाल दिया। ये खाना थोड़ा ठंडा जरूर हो सकता है मैडम, लेकिन ये ठंडा खाना किसी गरीब के पेट की आग को ठंडा कर सकता है। गुड नाइट मैडम। सर ये पार्सल लेके वापस क्यों आ गए? तुम तो बिना मतलब के ही परेशान थी। वो कस्टमर जब सुना कि तुम साइकिल से पार्सल डिलीवरी करने आई हो तो वो बहुत खुश हो गया। उसने ये पार्सल तुम्हारे लिए भेजा है, बोला है खा लेना, और उसने कुछ पैसे भी दिए हैं, बोला है साइकिल रिपेयर करवा लेना। लगा देना मरहम गरीब के जख्मों पे, अमीरों के इलाज के खातिर हकीम बहुत है बाजार में।